तो दूसरा अगर मुख्यमंत्री बनाएगा तो लोग कहेगा कि भैया वो एम को बनाओ, तो काहे नहीं आपको बना दिया। अभी कैबिनेट बना है तो 14 को मंत्रालय एक वर्ग को मिला है, आपको कौन मंत्रालय मिला है उसको भी आप गणना कर लीजिएगा। कुछ नहीं मिलेगा, ना अभी मिला है ना आगे मिलेगा, उनको भी पता है आप जाइएगा कहाँ, उनको भी पता है कि आप जाइएगा कहाँ। आपको भ्रम दे रहा है, आपको डरवा रहा है, इसलिए कि आपको बंधुआ मजदूर बना के रख लिया है एक दल ने। आप बंधुआ मजदूर की तरह एक ही दल को जाकर वोट करते हैं, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में आपको चिंता नहीं है। आप सब कुछ अपना गवाह के भी, आपको मालूम है कि आपके बच्चों को रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, आपका नली गली सड़क अस्पताल का हालत खराब है, फिर भी आप उसको वोट कर रहे हैं। आपको मिला क्या है भैया? आप जरा देख लीजिए कि आपको क्या मिला है। महागठबंधन अभी बना है, आपको बता देते हैं, नीतीश जी का तो चर्चा हो गया, अब आरजेडी का देख लीजिए जिसको आप अपना दल समझते हैं। अभी भाजपा के साथ गठबंधन था इससे पहले, दो महीना पहले, तो भाजपा का 2 उप मुख्यमंत्री था ना भाई? अरे भाजपा का 2 उप मुख्यमंत्री था ना बिहार में? भाजपा का एमएलए कितना था? 75 एमएलए वाला भाजपा, नीतीश कुमार 43 एमएलए, भाजपा का 2 उप मुख्यमंत्री था। अभी आरजेडी से 77 एमएलए है, तो उसका एक ही उप मुख्यमंत्री है, ऐसा क्यों? इसलिए कि आरजेडी का 2 ही पैर है, एम और वाई, तो दूसरा अगर उप मुख्यमंत्री बनाएगा तो लोग कहेगा कि भैया वो एम को बनाओ, तो काहे नहीं आपको बना दिया। अभी कैबिनेट बना है तो 14 को मंत्रालय एक वर्ग को मिला है, आपको कौन मंत्रालय मिला है उसको भी आप गणना कर लीजिएगा। कुछ नहीं मिलेगा, ना अभी मिला है ना आगे मिलेगा, उनको भी पता है आप जाइएगा कहाँ, उनको भी पता है कि आप जाइएगा कहाँ।